नमस्कार साथियों, मैं अजय सेन MG क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आइए, आज से हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास को। भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमें कुछ स्रोतों या कुछ तथ्यों पर आश्रित होना पड़ता है, तो उनको आज हम देखने वाले हैं। आज प्रारंभ में हम वही चीज़ देखेंगे जो कि इतिहास को समझने के लिए हमें बहुत आवश्यक होती है। उनमें यदि हम बात करें तो प्राचीन इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत के बारे में आज चर्चा करेंगे। प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार से बनाए गए, एक तो है आपका साहित्यिक स्रोत और दूसरा है आपका पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की भी यदि हम बात करें तो साहित्यिक स्रोतों को भी तीन विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। तीन विभिन्न प्रकारों में, जैसे कि धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। देखिए, धार्मिक स्रोत और गैर धार्मिक स्रोत एक ही प्रकार के साहित्य होते हैं, बस उनमें धार्मिक स्रोतों में आप देखोगे कि धर्म से जुड़ी हुई कुछ बातें मिलती हैं, वहीं गैर धार्मिक स्रोतों में हमें धर्म जैसी कोई चीज देखने को नहीं मिलती है। वहीं हम देखेंगे कि विदेशी यात्रियों का विवरण जो रहेगा, उनमें कुछ बाहर से आए हुए यानी विदेशों से आए हुए जितने भी यात्री रहेंगे, उन्होंने भारत में आए और भारत में जो देखा और जो अपनी किताबों में लिखा, उनसे हमें भारतीय इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती, इनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम भारतीय प्रमुख स्रोतों के बारे में। तो पहला आप देखोगे साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक स्रोतों को। धार्मिक स्रोतों की जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे धार्मिक स्रोतों को भी तीन प्रकार के धार्मिक स्रोतों में बांटा गया है। सबसे पहले आप देखोगे ब्राह्मणीय ग्रंथ, दूसरा आपका आता है बौद्ध ग्रंथ, तीसरा आता है आपका जैन ग्रंथ। ये तीनों ग्रंथ या तीनों साहित्य आपके ब्राह्मणीय या फिर आपके धार्मिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले ब्राह्मणीय ग्रंथ, ब्राह्मणीय ग्रंथ की जब हम चर्चा करेंगे तो इनमें सबसे प्रमुख जो आपका एक मिलता है वो मिलता है वेद। वेद दरअसल आपका प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है या सबसे उत्तम साधन माना जाता है। वेद में आपके उस समय के विभिन्न प्रकार के राजा महाराजा, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें देखने को मिल जाती है। तो वेदों के बाद हम देखेंगे पुराण, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य और सूत्र। ये कुछ प्रकार के धार्मिक ग्रंथ हैं जो आपके उस समय के प्राचीन क्षेत्र में या प्राचीन समय पर लिखे गए थे और इतिहास जानने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरे स्तर पर यदि हम देखें तो बौद्ध ग्रंथों को आते हैं। कौन से आते हैं? बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में भी यदि हम बात करेंगे बौद्ध ग्रंथों की, तो त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। त्रिपिटक है क्या? तो त्रिपिटक दरअसल बौद्ध ग्रंथ, वो बौद्ध धर्म के से संबंधित तीन पुस्तक होती हैं। इन तीनों पुस्तक में बुद्ध धर्म की जानकारी तो हमें मिलती है, लेकिन साथ में उस समय के ऐतिहासिक जानकारी को भी हमें बखूबी दिखाया गया है। दूसरा हम बात करेंगे बुद्ध चरितम की। बुद्ध चरितम भी उस समय का बुद्ध धर्म के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है, जिसके लेखक हुआ करते थे अश्वघोष। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। त्रिपिटक में आपके सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीन प्रकार के पिटक आते हैं। साथ ही आप देखोगे कि उस समय के जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, उन सब की जीवनियां भी उस समय के इतिहास की जानकारी हमें देती हैं। अब तीसरा जो आपका ग्रंथ आता है ब्राह्मणीय में, वो आता है जैन ग्रंथ, या फिर धार्मिक में जो आता है, कौन सा आता है? जैन ग्रंथ आता है। जैन ग्रंथ आपका महावीर स्वामी के जीवनी और भगवती सूत्र, ये दो प्रकार के जो ग्रंथ लिखे गए हैं जैन धर्म में, ये हमें जैन धर्म के साथ साथ हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की भी जानकारी देते हैं। साथ ही आप देखोगे कि जैन धर्म की दो संगीतियां भी हुई हैं। जैन धर्म में हुई दो मीटिंग में से आपकी द्वितीय मीटिंग जो हुई थी, दूसरी जो संगीति हुई थी, वो हुई थी आपकी गुजरात के वल्लभी में। वल्लभी में उस समय के गुजरात का जो भी राजनीतिक माहौल रहा, जो भी इतिहास रहा, वो सारी जानकारी हमें वहाँ से प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, अब हम देखेंगे गैर धार्मिक ग्रंथों में या गैर धार्मिक जो आपके स्रोत रहे उनमें कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले गैर धार्मिक स्रोतों में, ग्रंथ में या साहित्य में आप देखोगे चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है, दरअसल ये राजनीति पर लिखी गई है और चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण द्वारा या पंडित द्वारा लिखी गई थी। देखिए, चाणक्य वही व्यक्ति हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हमें मौर्य वंश के समय की या मौर्यों की संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरा विष्णु शर्मा द्वारा लिखित एक पुस्तक और है, जिसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमें प्राचीन स्रोतों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और प्राचीन इतिहास की हमें जानकारी देता है। तीसरा हम बात करें तो मेगस्थनीज द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। देखिए, मेगस्थनीज दरअसल यूनानी यात्री था, जो कि हम यहां पढ़ सकते हैं उसको, यूनानी विदेशियों में यूनानी यात्री हुआ करता था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज यूनानी यात्री था और यह सेल्यूकस निकेटर द्वारा अपनी पुत्री हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा गया था।
ताकि उसकी पुत्री की जो भाषा थी यूनानी भाषा थी उसको ट्रांसलेट कर कर वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वाद विवाद और उनकी भाषाओं को एक दूसरे से मिला सके। ठीक है, तो वो हुआ करता था मेगस्थनीज। लेकिन जैसे ही यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है तो यहाँ रहते हुए उसने एक पुस्तक का निर्माण किया, एक पुस्तक का पुस्तक की रचना की और उसका नाम था इंडिका। इससे हमें मौर्यों की और उस समय के तत्कालीन राजनीति की हमें जानकारी मिलती है। आगे देखेंगे पाणिनि। पाणिनि द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक दरअसल बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाती है। इसी को हम संस्कृत की व्याकरण भी कहते हैं। इसमें संस्कृत भाषा के वो वर्णमाला लिखी गई है और वर्णों के बहुत सारे अर्थ बताए गए हैं। अगली देखेंगे हम विशाख दत्त द्वारा लिखित एक पुस्तक जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। इससे भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अंगली है जो आपकी कालिदास है, कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम के साथ साथ इनके द्वारा कुमार संघारम, मालविका, अग्निमित्रम कई सारी रचनाएं लिखी गई हैं। उनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, जो कि आपके एक साहित्यिक स्रोत की जानकारी होती है और वो आपके गैर धार्मिक स्रोतों के अंतर्गत आता है। अब देखिए आगे देखेंगे हम विदेशी यात्रियों का विवरण के बारे में। विदेशी यात्रियों का विवरण क्या रहा कि विदेशियों में हम देखेंगे तो यूनानी, चीनी और मुस्लिम, इन तीन भागों में हमने विदेशी यात्रियों को बांट दिया और इसी आधार पर हमने सारा का सारा जो विदेशियों द्वारा विवरण दिया गया था वो आपके इसी आधार पर इनकी पुस्तकों को और इनके लिखे गए ग्रंथों को हमने एक क्रम में संजोकर रख दिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे यूनानी, कौन कौन से यूनानी थे जिनके द्वारा भारत में आया गया, इनको भारत में आए और भारत में आने के क्रम में इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी और हमें भारतीय इतिहास को जानने में जानकारी मिलती है। तो एक था आपका टेसियस। टेसियस दरअसल आपके सीरियन नरेश का एक राजदूत हुआ करता था जो बिंदुसार के दरबार में आया था और उसने उस समय के भारतीय इतिहास के या प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बखूबी जानकारी दी है। दूसरा व्यक्ति है हेरोडोटस। हेरोडोटस बिल्कुल एकदम से मूस्ट लगा लीजिए क्योंकि इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। यदि हम इतिहास पढ़ना चाहते पढ़ रहे हैं और इतिहास के विद्यार्थी हैं तो हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि इतिहास के पिता कौन कहलाते हैं, तो हेरोडोटस है। इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इतिहास पर ही लिखी गई एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक है। आगे हम बात करेंगे तीसरा व्यक्ति निर्याकस। निर्याकस दरअसल सिकंदर के साथ आया हुआ एक जल सेनापति था और साथ ही साथ वह वहाँ का साहित्यकार भी हुआ करता था। चलिए अब दूसरे व्यक्तियों में, यदि दूसरे यात्रियों में बात करेंगे चीनी यात्रियों की, तो सबसे पहले आप नाम लोगे किसका या आप सबसे पहले वर्णन देखोगे हेनसांग का। हेनसांग चीनियों में या यात्रियों में राजकुमार भी कहा जाता है। चीन से जब यह चला था तो कई सारे उद्देश्य लेकर चला था और भारत में आने का इसका मात्र एक उद्देश्य था कि किसी भी तरह से बौद्ध ग्रंथों को ग्रहण करना, बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करना और उन्हें संयोजित करके चीन ले जाना। लेकिन यहां आया तो इसने संस्कृति को समझा, बौद्ध धर्म को वास्तविकता में समझा और ये समझ गया कि बौद्ध धर्म कोई भी चोरी या फिर किसी चुरा कर ले जाने वाली वस्तु नहीं है, इसे तो हम ग्रहण कर सकते हैं। और इसीलिए इसने हेनसांग द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में एक शिक्षा ग्रहण की और बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी जानकारियां ली। साथ ही इसने एक पुस्तक का गठन किया, एक पुस्तक को लिखा जिसका नाम था सीयू की नामक पुस्तक में हमें उस समय की तत्कालीन भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सारी जानकारी मिलती है। दूसरा व्यक्ति जिसका नाम हुआ करता था फायन, यह भी भारत में आता है और फायन दरअसल चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में आया था और इसके द्वारा पुस्तक जो लिखी गई थी फूयू की, इससे भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तीसरा जो रहेगा आपका सांगसुंग, यांगसुंग और चौथा था आपका इतिशान। ये प्रमुख चार चीनी यात्री हो जाते हैं। अब देखते हैं हम मुस्लिम यात्री कौन कौन से आए। तो अलवरनी बहुत ही अलवरनी प्रथम मुस्लिम व्यक्ति था जिसने भारतीय पुराणों का अध्ययन किया था। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि बताइए पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो वो भी अलवरनी हुआ करता था। अलवरनी दरअसल गजनी प्रदेश के शासक जिनका नाम था महमूद गजनबी, उनके साथ भारत आक्रमण के समय भारत में आता है। लेकिन यहाँ के संस्कृति और यहाँ के साहित्य से प्रभावित होकर वह भारत में ही रुक गया था और उसने भारत में रहते हुए कई सारी चीज़ों का निर्माण किया और एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था किताबुल हिंद नामक पुस्तक। जब उसने लिखी तो इसमें भारतीय इतिहास के साथ साथ भारतीय समाज, भारतीय रीति रिवाज और धर्म और पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी, जो कि प्राचीन इतिहास को जानने का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला व्यक्ति अल मसूदी और फिर है फिरदौसी। ये प्रमुख वो व्यक्ति थे जो मुस्लिम शासक रहे या मुस्लिम व्यक्ति रहे और भारत में आए और भारत के बारे में उन्होंने लिखा, जिनसे कि हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए ये तो हो गया आपका कौन सा साहित्यिक स्रोत, अब हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। ऐसे पुरातात्विक स्रोत
तो जिनसे देखकर या जिनको पढ़कर हम आज भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं, उनके बारे में आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे अभिलेख। अभिलेख आपके पुरातत्व साक्ष्यों में से सबसे प्रमुख माने जाते हैं, जिनको यदि हम चर्चा करें तो भारत में अभिलेख लिखाने की प्रथा का जो प्रचलन किया था वो किया था सम्राट अशोक ने, मौर्य वंश का शासक सम्राट अशोक द्वारा भारतीय साहित्य में या भारतीय इतिहास में अभिलेख लिखवाने का प्रचलन चालू किया था। और इसके अभिलेख कई सारी हमें लिपियों में मिलते हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरमाइक, संस्कृत और देवनागरी, कई सारी लिपियों में इसके हमें अभिलेख देखने को मिल जाते हैं। अगला साहित्य की बात करेंगे, अगला स्रोत की बात करें तो वो होते हैं सिक्के। सिक्के दरअसल भारतीय इतिहास के या प्राचीन इतिहास को जानने का और भी अच्छा स्रोत माना जाता है, महत्वपूर्ण स्रोत में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि देखिए, भारतीय इतिहास में जब प्राचीन भारत लिखा जा रहा था तो उस समय डेट का बहुत बड़ा एक कारण बन रहा था कि आखिरकार अगर हम जब इतिहास लिख रहे हैं तो उसमें डेट कैसे लिखी जाए कि कौन सी डेट की, तो सिक्के उस समय के सबसे प्रमुख माने जाते हैं। क्योंकि सिक्के में उस समय चलाए गए सिक्के जो थे वो हिंदी यूनानियों द्वारा चलाए गए थे। भारत में प्रथम सिक्के चलाने का या सोने के सिक्के चलाने का जो प्रचलन लाए वो हिंदी यूनानी लाए, लेकिन ऐसे सिक्के लेकर आए कि उस पर डेट लिखी हुई थी। इन्होंने अपनी डेट लिखी, अपने राजा का नाम लिखा और अपने राजा का चित्र उस पर अंकित किया, और जिस कारण वह सिक्कों से हमें आगे के इतिहास की और उस समय के इतिहास की हमें जानकारी मिलना प्रारंभ हो गई थी। तो सिक्के एक महत्वपूर्ण पुरातत्व साक्ष्य स्रोत होता है। अगले देखेंगे मूर्तियां। मूर्तियां विभिन्न प्रकार की मूर्तियां जो आज भी हमें देखने को मिलती हैं दक्षिण भारत में, वो सारी मूर्तियां हमारे प्राचीन इतिहास के जानने के लिए एक अच्छा साधन माना जाता है। स्मारक, कई सारे स्मारक रहे हैं, जैसे कि अशोक के स्तूप, कई सारे स्तूप लिखे गए, ताज और अन्य इमारतें जो कि प्राचीन भारत में बनी थी या प्राचीन काल में बनाई गई थी वो आज भी देखने को मिलती हैं, वो भी। अब हम बात करेंगे अवशेष। अवशेष भी आपके एक मुख्य कारण होता है, मुख्य स्रोत माने जाते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने की। जैसे कि अवशेष में नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष, जो कि अभी प्राचीन में उसको डेवलप करके पुनर्निर्माण कराकर उसे नए विश्वविद्यालय के रूप में बदला गया है और उसको दोबारा चालू करने का प्रयास किया गया है, उसके अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं, जो कि बताते हैं कि भारत पहले कितना बड़ा या भारत पहले विश्वगुरु क्यों कहलाता था। भारत इसलिए विश्वगुरु कहलाता था क्योंकि भारत में बना हुआ आपका नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र देश विदेश से आया करते थे और यह एक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। ये रहे आपके प्राचीन भारत को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। इनको पढ़ने के बाद ही हम अब आगे के जो भी आपका आगे का अध्याय रहेगा, आगे की जो भी इतिहास रहेगा उसको हम प्रारंभ करेंगे, ठीक है। ये रहा सारा का सारा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि और क्या क्या साहित्य स्रोत हो सकते हैं या फिर और कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हो सकते हैं हमारे प्राचीन इतिहास को जानने के लिए। धन्यवाद।